कटवाना है। बाल कटवाना अभी, चलो बाल कटवा ले बेटा। वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड धनवा का बर्थडे है, आज है संडे। इस बार थोड़ा ना दो चार दिन शायद लेट व्लॉग जाए, सॉरी उसके लिए। दो ही चार दिन जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं कंटिन्यू रख रही थी बट मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ख़राब चल रही थी। आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, देखो कितने सारे तेल लगाए सर का। ये जो दर्द है ना हेडेक, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तीन चार दिन से ऐसे रह रहा है। मेडिसिन ले रही हूँ, उस टाइम तक उसका असर, तक जब तक मेडिसिन का असर रह रहा है तब तक ठीक रह रहा है, और उसके बाद तो बस। तो मेरी हालत अब देख लो सूखती जा रही, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई। फीवर भी आ जा रहा है तो इस वजह से। बट जो काम है वो काम है, वो तो करना है। और उसके बाद क्या है कि अब इसका बर्थडे है तो मैं ब्लॉगिंग, तो वैसे जो भी है ना नॉर्मल डे ऐसे निकल जा रहा है, कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही और ब्लॉग एडिट भी नहीं कर पा रही कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए थोड़ा पेंडिंग चल रहा है। एक दो ब्लॉग ही चल रहा है, ज़्यादा नहीं। सो अब बकबक छोड़ते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दी हाँ आप जब अकेले में बात करते हो तो बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो मैंने भी ये चीज़ नोट किया कि जब मैं अकेले में आप लोगों से बात करती हूँ बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। ऐसे मतलब ऐसे लगता है ना आगे कि मैं कैमरे को देख के नहीं, मैं आप लोगों को देख के बात कर रही हूँ। मतलब कि सामने मेरी फैमिली है जिनसे मैं अपने मन की सारी बातें, मतलब वो निकल नहीं जाता है कि हाँ कोई है अपना और मुँह से सारी बातें निकलती जाती है, वैसा कुछ है। मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ आप लोगों के सामने ऐसे कि मैं अपनी ये बातें शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो धनवा का है कल बर्थडे और घर में चल रही है जोरों शोरों से तैयारी, ओके। तो अभी पतिदेव जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ आगे की बातें आप लोग को बता रही हूँ, क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ स्पेशल है, क्या स्पेशल है और क्या पहले हुआ था और क्या अब हो रहा है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। साथ में ही कुछ लोगों का जो जवाब है वो भी देना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं वो जवाब भी दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा पतिदेव जी को बुलाती हूँ। सो गाइज पतिदेव जी आ गए हैं, आ जाओ, बात हो गई, डिस्कशन हो गया आप लोगों का, आप तीनों माँ बेटे का। हाँ डिस्कशन हो गया, दाढ़ी बनाने जा रहा है। हाँ तो इनका फर्स्ट काम, मतलब बात कर रहे हैं, इनका फर्स्ट काम है इनका दाढ़ी बनाना। बढ़ गया है। बहुत गंदे लग रहे हो। कल स्मार्ट बन के दिखाएंगे, ठीक है। ये कभी कभी स्मार्ट बनते हैं और मैं तो बिना मेकअप के स्मार्ट दिखती हूँ। देख लो इनका, नहीं है दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई है ना? और क्या, ये सफ़ेद भी हो गई है उनकी, बुढ़े हो गए मुझे देखो। मैं भी इतना मेकअप कर रही हूँ, मैं मेकअप में हूँ, मामा अर्थ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ तो मैं भी। चलो इधर आओ, सुनो बात हो गई सब कुछ। हाँ मतलब घर में कोई भी काम होता है तो डिस्कशन का जो काम होता है इन तीनों जने का होता है, तीन दोनों भाई का और मम्मी का। पापा जी साइड रहते, हम दोनों भी साइड ही रहते, ठीक है। जब होना वही है, जब ये करेंगे तो फिर हम अपना बस राय दे देते हैं। हाँ, और बाकी फिर हम अपने चुपचाप निकल जाते हैं, कौन जाए माथा पेची करने। हाँ कल मेरे को पता है ना मार्केट में कितना आया था। हाँ तो धनवा का जो बर्थडे है, दिखाओ आपने जो डेकोरेशन, जो आपके पास फोटोज आई थी जो हमने बात की है डेकोरेशन के लिए, वो दिखाएंगे अभी। और इसमें से कौन सा फाइनल हुआ है ये भी पता चलेगा आप लोगों को, बट पूरा दिखाओ। देखिए है, यस इसमें दिख रहा है क्या? हाँ दिखाओ, आगे करो, बढ़ाओ, दिख रहा है? हाँ हाँ आगे आगे बढ़ाओ। नहीं यार, अरे भाई ठीक है, पता चल गया लोगों को इतने में। ये और ऐसे एक जगह फोटो नहीं है, कौन सी वाली? सारी, कितनी सारी तो आई थी। अच्छा वो, हाँ ये तो रहा ना, तो ये तो वैसे उसने भेजी है ना, तो वही जो उन्होंने भेजा है उसमें से, इनमें से हमें सेलेक्ट करना था। ये तो वीडियो से ये, अरे आप अपने उसी पे देखो, ये सारी फोटोज डेकोरेशन की आई हुई थी हमें पसंद करने के लिए, तो वही ये तीनों जने बैठ के पसंद कर रहे थे। बाकी और सब काम, लाइट टेंट जो भी, ये भी बच्चों के कूदने के लिए लगवा नहीं थे, ये अभी देखा बाबू के, ये फर्स्ट उस पर लगा था है ना, एक लगवा नहीं जब फर्स्ट बर्थडे था। इससे याद आया मुझे, बहुत अच्छी बात याद है ना, ठीक है। कुछ लोग कमेंट ऐसा करते हैं कि हमारा, हाँ कि हमारा मतलब हर चीज़ नॉर्मल क्यों होता है, थोड़ा धनवा बर्थडे कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है जो हम ऑन कैमरा बता भी नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है। जो जो कोई भी ऐसा बोलता है ना, वो बाबू का फर्स्ट बर्थडे का वीडियो और सेकंड बर्थडे का वीडियो देख लेते, नहीं देख सकते ना क्योंकि तब मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए लोगों को नहीं पता। और थर्ड बर्थडे पिछली बार था, हाँ। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया,
तो पिछली बार लॉकडाउन की वजह से इतनी सुविधाएं खुली कहाँ थी यार। हाँ वो तो तो धीरे धीरे अब लोगों को वैक्सीन वगैरह लग गई तो, और फिर अभी इस बार भी देख लो ना, फिर इस बार कैसे हो रहा है, फिर केसेस बढ़ने लगे तो सरकार क्या करेगी, रात नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। विशाल की शादी टाइम पता नहीं क्या होगा। सो गाइस धनवा के लिए फरवरी तक उम्मीद है लग जाएगा दोबारा लॉकडाउन, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं बता रहा था मुझे। तो धनवा के लिए हम तो माँ बाप हैं, ठीक है, तो हमें तो साइड ही कर दो। घर में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उसके लिए सोचे कि कोई चीज़ कम ना हो हो या कम हो या सिंपल हो, सबसे पहले कम तो के उसकी ना हो दादी कि है और कम। उसके चाचू ही है। हाँ, कि वो सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए हाँ तैयार रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड बर्थडे का मैं पिक लगा दूंगी यहाँ पे, आप लोग देख लेना। थर्ड आपको बता ही दिया कि क्यों ऐसा हुआ था, और फोर्थ इस बार है तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद बताओगे। बट हमने अपनी तरफ सोचा से कोशिश हाँ कि की है कि थोड़ा अच्छा। बहुत मतलब कि कर लेते हैं, बाबू के और कौन नामकरण की कौन आ रहा है। वीडियो कभी ना उसमें डाला है, डाला है, देखा है सबने, ठीक है। तो और धनुआ जो है ना वो हमारे ही लिए नहीं, मतलब कि हम उसके लिए बता नहीं सकते अभी तक सोया हुआ है कि वो कितना लकी है, इस पूरे घर के लिए बहुत लगी रहा है। मतलब वो हमारे लिए क्या चीज़ है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम तो माँ बाप हैं तो हमारी तो बात ही अलग है, ठीक है, कि उसने हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बदल दी, मतलब हमें कौन सी अहमियत दी है उसने, कौन सा पद दिया, मतलब क्या है। हर किसी का जो बच्चा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इसका ये है ना कि हमारे साथ साथ ही ना बहुत से लोग कहते, जैसे इसकी एक बुआ है अनुभव अन्नू, हाँ वो कहती है कि मेरे लिए धनुआ बहुत लकी है। क्यों कहती है, वो सुमित कल आएंगे तुझे पूछेंगे, ठीक है। और सबसे और नंबर वन पे आते हैं आपके, मेरे छोटे भाई सुमित, वो तो बहुत मानता है उसको, वो वो तो मतलब हाँ मतलब सर वो आंखों तो पे ही रखता है मतलब कि उसको। वो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद देखा हुआ है और खुद कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। और बाकी बाबा दादी का तो मैं लाडला भी है कभी वो। कभी उसको डांट देता हूँ तो उल्टा मेरे को बोल देता है, तू ना बच्चों को ऐसे बोला मत कर, मैं दत्तों सी लग रही ना वो ही दत्तों। यार गाइस बहुत कमेंट करते हो आप लोग मेरे टीथ को, नहीं कौन सा बस टूथपेस्ट है स्माइल तो अच्छी है, और क्या स्माइल अच्छा, मेरे टीथ भी अच्छे ये हैं वाला पोर्शन ऊंचा है ना थोड़ा, ये ऐसे है देखना ऑन कैमरा क्या हरकत कर रहे, मेरी टीथ भी अच्छी, देखो बिल्कुल इक्वल है, कुछ बिल्कुल इक्वल नहीं है, चमकता सब हुआ। ऐसी है, सब ढोंग ढेका हुआ है, बस ऐसी है सब। कोई नहीं, ए आपके कहने दाढ़ी से बनाओ क्या मुझे होना। आगे, हाँ आप जाओ दाढ़ी बनाओ, ठीक है गाइस। तो बाकी हम मिलते हैं और भी जो तैयारियां हो रही है उनके साथ। छो रहे हैं गंजू जी, अरे इनका बाल कटवाना है, बाल कटवाना है अभी, चलो बाल कटवाने बेटा, हेयर कटिंग करवानी है, जल्दी चलो। हाँ पता चल गया, हेयर कटिंग करवानी है बेटा, चलो चलो चलो। सो गाइज मैंने ये जो एक स्टॉल ऑर्डर रखा है आप देख सकते हैं, मस्टर्ड कलर का है, मैंने इस पर एक हॉल भी बनाया था, और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में भी बता दूँ, क्योंकि आगे ब्लॉग में आप मुझे इसे ओढ़े हुए देखोगे तो शायद आप लोग कमेंट करोगे, पूछोगे, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। बहुत ही प्यारा सा ये स्टॉल है, शॉल नहीं है ये, स्टॉल है, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट का है, बट वार्म है, गर्म है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने मंगवाया है बुलबुल शॉप से, मेरा लिंक से, इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर आपको स्टॉल या शॉल ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। आप इसके अलावा कोई भी विंटरवेयर का आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, साथ में आप समर का भी सूट, कोई भी ड्रेस ले सकते हो, सूट हो या साड़ी हो, एंड मैन का भी आप ले सकते हो, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, लेटेस्ट मिलेगा, स्टाइलिश मिलेगा। सो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे ओपन करके ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, मतलब सेटिस्फाई हो गया आप वहाँ पर, जो आप उनकी मतलब कि प्राइस जो आप दोगे ना उस प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट आपको मतलब कि सेटिस्फाई करेगा, जितने प्रोडक्ट जितने पैसे में आपने लिए हैं उससे ज़्यादा अच्छी की क्वालिटी जो है आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो बहुत ही प्यारा सा ये स्टॉल है, और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर वहाँ से लिया है कोई भी प्रोडक्ट बुलबुल ऐप से, तो आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, पसंद नहीं है जैसे भी, तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, 7 डेज के अंदर में आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो, आपको जो रिफंड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिए, प्रोडक्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी भी अच्छी मिलेंगी। और आप ये स्टॉल देखिए, बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा है, आप बाहर इसे आराम से ओढ़ के जा सकते हो, स्पेशली मैं बोलूँगी जो न्यूली मैरिड है वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी ये कलर बहुत सूट करेगा। इसमें येलो कलर का मस्टर्ड कलर का है, इसमें स्काई ब्लू, मरून, पर्पल, ये सारे कलर के ऐसे बने हुए। तो दादी के पास तो जाओ भाई, किसका है, धनुआ का है कि धनुई के है, दोनों का नहीं, बबनी का भी है, बबनी मैं खुद के लिए शिकायत कर रहा। क्या देख रहे थे, मेरे हाथ ही घूम गए, और कैसे कर रहे थे आप दादी, एक
एक ही बच्चा है, अब उसको कैसे बचाना है? ब्रश करके? हो गया, चलो अब कपड़ा चेंज करो। मम्मी जब बाबू हुआ तो उस टाइम कैसा टाइम था? जो मुझसे बोल और ऐसी मेरी तबीयत हो रखी थी, बिल्कुल ऐसी था, ऐसी तबीयत हो रखी थी, ऐसे मौसम हो रखा था, तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर ऐसा तो नहीं था, ऐसा ही था। इतनी ठंड थी ना, मम्मी मुझे लेके गई थी कंबल में लपेट के, वहाँ के हॉस्पिटल में कह रही है कंबल उतारो, कंबल क्यों लेके आए हो? तो इतनी ज्यादा ठंड की बिल्कुल सब ठिठुर रहे थे, और इतनी ठंड में सब बाहर बैठे हुए थे ना मम्मी, मतलब मैं तो अपना गाड़ी में था, कंबल वंबल लेके उठी, अच्छा आराम से सो गए थे, है ना? नहीं सोया नहीं, लेटा हुआ था, हां उसी में था, है ना? और सिचुएशन कैसी हो गई थी? बिल्कुल हम इस पे आप लोग बारा पूछते हो ना, हम इस बारे में, बाबू एक मिनट मैं कर रही हूँ, इस पे भी आपसे बात करेंगे कुछ टाइम, कैसी सिचुएशन थी, क्या कोहरा मम्मी कितना याद है, कोहरा कितना जमा हुआ था, और कितने बजे हम गए थे? हम गए थे शायद अंधेरे में 3 या 4 बजे गए थे, 3 बजे गए थे मम्मी, रात को 3 बजे गए थे, ऐसा सवेरे होते होते इतना कोहरा, बाप रे, और इनके दोस्त लोग आए थे ब्लड देने, मेरा दोस्त आया था अतुल और अक्षय, नहीं अक्षय बाद में आया था, अतुल ब्लड देने के लिए और शिव पहले आ गए थे, अतुल थोड़ा अक्षय थोड़ा लेट आया था। अब मम्मी आप क्यों रो रहे थे? मम्मी इमोशनल हो गई थी, कुछ मम्मा वीडियो बना के इस बारे में हम एक बार कभी बात करेंगे ना, बताओ अभी बाबू बंद करो, नहीं बाद में बात करेंगे है ना, एक बार बैठ के और बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, है ना? हाँ बस इतना आप जान लो, मम्मी के बड़े बेटे और छोटे बेटे जहाँ हुए थे वही धनुआ भी हुआ, वही धनुआ भी हुआ था, है ना धनुआ? ओके गाइस, तो हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मिलेंगे कब मिलेंगे बाद में बताती हूँ, ठीक है? वो शायद अब धो रखे हुए है ना। बाबू बाय बोल, बबनी कैसे कौन खिला, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 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 जल्दी, ये क्या बना दिया उसे, अच्छा खासा ठीक लग जी, तो बाय बाय, हमें इन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे धनु का बाल कटवाने के लिए, पापा आ रहे हैं ना आपका केक लेके, आज भी तो बर्थडे मनाएंगे ना रात में, है ना? ठीक है बाय बाय बाबा, बाय 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 बोल रहे, चलो गाइस तो हम आ गए, मास्क तो चलो ये मास्क का काम करेगा,